जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सब लोगों के लिए एक अपडेट आया हुआ जो कि RRB ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए, यानी 2019 की वैकेंसीज आप सब लोगों को आई थी RRB ग्रुप डी की वैकेंसीज। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपकी वेबसाइट पे आप लोग एक लिंक एक्टिवेट हुआ, यानी कि आपकी जो RRB की वेबसाइट होती है उसमें रीजन वाइज वैकेंसीज होती है, उसमें आप सब लोगों को वैकेंसी आया था। आप सभी लोगों ने जिस भी रीजन अप्लाई करना चाहते उसमें अप्लाई आप किए थे। तो क्या था कि आप सभी लोगों को उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म थे जो रिजेक्ट किए गए थे, जो कि आप सभी लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा था उस फॉर्मेट में आप सभी लोगों ने नहीं दिया था। इस वजह से आपके फॉर्म जो हैं रिजेक्ट हुए थे। करीब आपके 5 से 6 लाख जो फॉर्म है रिजेक्ट हुए हैं। तो आप सभी लोगों के सुनहरा मौका फिर से आ गया है कि RRB की तरफ से, यानी कि फिर से आपको मौका दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपको एक मौका मिल रहा है, अब अपना फोटो एंड सिग्नेचर फिर से अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख पाएंगे आपके एक नोटिस जारी किया गया, यहाँ पर लिखा गया इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक दोज कैंडिडेट ओनली हुए एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। ऐसा है कि जो मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट किया जा रहा है उन कैंडिडेट के लिए जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, ओनली रिजेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो इनके फॉर्म रिजेक्ट हुए उनकी मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट की जा रही है। और आप सभी लोगों का यहाँ पर ये PDF जारी किया गया है। PDF को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना और आप उसको पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी जा रही है, क्या कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी लोग नोटिस है, नोटिस में दिया गया इंपॉर्टेंट नोटिस रिकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक टू दोज कैंडिडेट ओनली दोज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, यानी कि उन कैंडिडेट के लिए ओनली, उस ऐसे कैंडिडेट है जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनके मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर बताया गया इट इज हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड मॉडिफिकेशन लिंक अपलोड एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि आप सभी लोग को एक मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा जिनके फोटो एंड सिग्नेचर की वजह से आप सभी लोग एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिनके फोटो एंड सिग्नेचर इनवैलिड था यानी कि गलत थे। जिस भी फॉर्मेट में आप सभी लोगों का फोटो सिग्नेचर मांगा गया था आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में आपने नहीं दिया था, इस वजह से आपके जो फॉर्म थे रिजेक्ट किए गए थे। तो आपको एक फिर से मौका दिया जा रहा और कब बताया जा रहा कि आप सभी लोग अपना मॉडिफिकेशन पे लिंक पे क्लिक करके अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि ये लिंक इज द रिगार्ड विल बी प्रोवाइडेड सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट RRB, यानी कि आप सभी लोग इसके रिकॉर्डिंग आप सभी लोग एक वेबसाइट अपलोड की जाएगी, प्रोवाइड कराया जाएगी, जिसके माध्यम से अपना मॉडिफिकेशन लिंक को क्लिक करके आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का उन कैंडिडेटों के लिए है जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए, तो उनके एक मौका मिल रहा है कि आप अपना फॉर्म सही कर लीजिए, जिससे आप अपना जो पहला प्रोसेस आप सभी लोगों का रिटन एग्जाम का, उसको आप रिटन एग्जाम दे सकें। मैं बात करता हूँ आप सभी लोगों के इसके जो एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लोग बता दूँ कि अभी आप लोगों की एप्लीकेशन का जो मॉडिफिकेशन लिंक है एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल परसों में आप सभी लोगों का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, काफ़ी दिन चलने वाले हैं। तो ये मान के चलिए आप सभी लोगों का जिसका जो रिटन एग्जाम होने वाला है इलेक्शन के बाद होगा, उससे पहले आप सभी लोगों का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो उससे पहले आप लोगों की खुशखबरी यही है कि आप सभी लोग अपना मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट होगा, अपना फोटो सिग्नेचर कर लीजिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम आगे ना हो पाए। ये आपका लास्ट मौका मिलेगा, उसके बाद यदि आप फोटो सिग्नेचर्स अच्छे से अपलोड नहीं करते हैं या अपलोड इस बार नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके आगे मौका आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही आप लोगों का एक नोटिस आया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आपको वीडियोस के माध्यम से बता देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।